हरियाणा प्रदेश में 21 अक्टूबर को मतदान होने हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और प्रचार के लिए भाजपा व कांग्रेस द्वारा आए दिन रैलियां आयोजित की जा रही हैं। इसी के बीच अर्थ प्रकाश संवाददाता आए दिन गांव-गांव और शहरों में जाकर लोगों से उनके हलके के रुझान जान रहे हैं, तो वहीं सफ़ीदों के नौजवान संवाददाता अभिषेक दीवान ने अपने कैमरामैन शीतल के साथ अंडा TTDD गांव में पहुंचकर पार्टियों द्वारा उतारे गए प्रत्याशियों के बारे में गांव के लोगों से प्रतिक्रिया ली। चलिए देखते हैं। विधानसभा देखो बतन सिंह आ रही है कि यहाँ टिकट आ रही है ऊपर से ऐसा क्या कार्य किया? ऐसा कोई कार्य नहीं किया, जो किया भी है ना भी किया, जो भी करेगा आगे टाइम बताएगा वो करेगा, ऐसी बात नहीं है। हर पब्लिक देखती है, समझदार हो रहे, पढ़े लिखे बच्चे हो रहे हैं, सबके लिए काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। जो ऊपर से सरकार ने टिकट दी है तो सोच समझ के दी है, तो अंधा कानून न समझ लो कि मोदी की टिकट आई है, बतन सिंह आर्य की नहीं है। तो आज जैसे विधानसभा के चुनाव होने हैं तो इसमें किसको विधायक बनाना चाहते हो? विधायक तो जी सोचा तो गांगुली आ जाए, फिर देखो मैं तो उसकी वोट भी नहीं मखाऊंगा, झूठ बोलूं, सीधी बात करनी थी। यानी आपकी सोच तो है भी सुभाष गांगुली विधायक बनते हैं, लेकिन वोट किसी और का है? वोट किसी और का है। तो ऐसा क्यों? वो तो जी अपने मन की भावना होती है। नहीं, मन की भावना होती है। आपका मन तो कह रहा है कि मैं सुभाष गांगुली मेरा विधायक बन जाए, जब आप वोट ही नहीं दोगे तो विधायक कैसे बनेगा? बना आप तेरे भाई गे रहे हैं वोट। आप किसको वोट गे रहे हो? आप किसके साथ में? आप तो उसकी राजवीर शर्मा गे रहे। राजवीर शर्मा के। सुभाष गांगुली को आप समाज सेवी बता रहे हो, तो उन्होंने क्या समाज सेवा के कार्य किए? लड़कियों के लिए फ्री में बस चला रही कॉलेज में। वो तो इलेक्शनों से पहले चलाई है ना, एक मिनट पहले दो साल खान पर चला रखी, जो कॉलेज की बस लगी है वो तो अभी एक मंथ पहले ही लगी है। हाँ, दो तीन महीने पहले जो भी वो था कॉलेज शुरू हुआ, लड़कियां दुखी होया कर दी, गर्मी में जाडे आया कर दी, पसीने में दुखी होया कर दी, बस चला दी तो उनको कुछ ना कुछ सुविधा तो मिली। तो ये मान लिया जाए कि समाज सेवा में एक बस चला दी तो उसके फिर राजनीति में एक आने का एक सीढ़ी ढूंढ ली। सारा समाज सेवा कर, सारा समाज सेवा कर रहा है उसने, क्या किया, सब कुछ किया गरीब आदमी का, सब कुछ। पार्टी ने देखा बचन सिंह आर्य को वोट, हाँ ऊपर मोदी है, मोदी सरकार अच्छे काम कर रहे, अच्छे काम पा रहे, गांव की तरफ विकास भी है। हाँ जी, आप बचन सिंह आर्य क्यों बड़ी पार्टी ऊपर वो है? हाँ जी, आप बचन सिंह आर्य भाई, बचन सिंह आर्य बीजेपी पार्टी ऊपर बड़ी ऐसी है, हम अपने मोदी साहब इसलिए बचन सिंह आर्य को वोट। मेरा जाट बोला है झाड़ू वाले का नाम क्या फिर ना? तो मेरा भी ध्यान में भाई, तो झाड़ू वाला ही क्यों पसंद आ रहा है? कम वही कर ठीक कर, बिल्कुल ठीक करे, दिल्ली में करे, हरियाणा में भी करे, आड़े भी हो रही है पूरा। सरकार तो कौन ही बिना सरकार ठीक ना हो है नी, जब करे हैं। अच्छा, ऊपर मोदी नीचे खट्टर, झाड़ू वाला बीच में कहाँ था? आज यार है, आज है। अपना नाम बताओ जिले सिंह। तो मैं विकास भी करवाया फिर झाड़ू वाले ने गाँव में कराए, तो उसका कैंडिडेट कौन खड़ा है? आड़े मैं शहर का बताऊं कौन सा देख, वो लुगाई आई थी, मैं पूरा बिरंग भी चली थी, बूढ़ी बूढ़ी। अच्छा, औरतें तो अमर दी। हाँ भाई, जिले सिंह तो वोट झाड़ू पे देगा। हाँ नमस्कार भाई साहब, कोई नहीं, गाँव के लिए भी और सारे देश के लिए जो कुछ कराया तो मोदी जी ने किया है। अच्छा, जो यहाँ पे कैंडिडेट है बचन सिंह आर्य बीजेपी का, हाँ जी, तो वो बचन सिंह आर्य को वोट देंगे या मोदी के नाम के वोट देंगे? हम तो मोदी के नाम के वोट, मोदी के नाम के वोट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।